All right, people, a very good afternoon to my favorite students, to my lovely students. Welcome to your own Akash Baiju's neat channel. I am Dr. Bankuri. I meet you every day, your biology teacher. You study biology from me. You're going to study biology from me to prepare for the dream exam that is neat 2022, 23, 24, whenever you want to appear. Yeah, it's a beautiful afternoon to learn something new. I am extremely happy that we are going to complete our 12th botany syllabus today in one short series. Don't forget that the paper, neat paper, also has class 11 syllabus, and hence we are running a parallel series of class 11th. Very, very important. And one truth of the hour is that botany ka portion thoda 11th mein zyada ho jata hai. So considering plant physiology, and then there is plant kingdom, which we are doing, and morphology, anatomy, ye sab milakar, to 11th series mein bhi bane rahe. That said, lot of new and exciting things. I'm very happy to tell you that lot of new and exciting things which you guys are going to love are going to come on this channel, Akash Baiju's Neat channel. आने वाले हफ्तों में बहुत सारी नई चीज़ें हम इस चैनल पर लाने वाले हैं, सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड लाने वाले हैं. सो वी विल कीप मीटिंग यू. टीचर्स से कनेक्टेड रहिए. Subscribe to the channel. Don't forget to subscribe to the channel and hit the notification icon, because kabhi bhi koi bhi surprise bachchon ke liye aapke liye aa sakta hai. We are working hard towards that. Theek hai? So aaj ka session is the second part of this chapter, strategies of food enhancement. मुझे मालूम है आप में से कई लोग इस चैप्टर से थोड़ा डरते हैं कि मैम इसमें ना समझ नहीं आता, इतना काओ बफेलो, इसकी वैरायटी, उसकी वैरायटी, प्लांट ब्रीडिंग, क्रॉप कल्टीवेशन. तो मैंने क्या किया, इस चैप्टर को ऐसी कैटेगरीज में और टॉपिक्स में डिवाइड किया कि आप लोगों के लिए पढ़ना और क्वेश्चन निकालना दोनों ईजी हो जाए. सो टुडे हम अब क्रॉप्स पर चले गए हैं, है ना. चलो मैं देखती हूँ क्लास में कौन कौन आया है, कौन रेगुलर है क्लासेस में. अभी तो क्लासेस बढ़ने वाली हैं, अभी तो मान लीजिए कि जर्नी सिर्फ स्टार्ट हुई है. वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो चिल्ड्रन. बहुत लंबा रास्ता कवर करना है हमें साथ में, है ना. तो मुझे अब याद रहने लग गया है कि कौन है जो क्लास में रेगुलरली आता है. जैसे कि जूही, फाइनली आई केम अप विद अ न्यू वन. अरे डोंट, दैट्स वेरी डिस्ट्रैक्टिंग जूही, डोंट डू दैट यू गाइज. परवेज तौफिक, नमस्ते, हेलो बच्चे. यशवंत इज ऑलवेज रेगुलर टू द क्लास, गुड आफ्टरनून बेटा. कृष्णा, परवेज तो ओके, वन टाइम गुड आफ्टरनून इज इनफ. हाँ, चैट बॉक्स को ऐसा मत समझो कि बस लिखते रहे लिखते रहे लिखते रहे. थोड़ा सा डिसिप्लिन बनाए रखें, है ना. यू आर मेडिकल एस्पिरेंट्स, थोड़ा सा उस लेबल को, उस स्ट्रीम को भी जस्टिस करें. मृत्युंजय, दिव्यांशी, दिव्यांशी काफ़ी दिनों बाद आ रही हैं आप या आई थी आप. दिव्यांशी इज ऑल्सो रेगुलर टू द क्लासेस. स्पेशली ये जो बच्चे रेगुलरली हमसे जुड़े हैं, हु बिलीव इन अस, हु बिलीव इन आवर एफर्ट्स, यू गाइज आर गोइंग टू लव वॉट वी आर गोइंग टू ब्रिंग ऑन द चैनल. तो ज़रा आँखें खोल कर, कान खड़े करके एकदम रेडी रहना. बहुत जल्द ना कुछ बहुत अमेजिंग आने वाला है चैनल पर, ठीक है. तो और बच्चों, आई सी सम ऑफ यू आर नॉट इन द 11th रिविजन सीरीज. 11th का सिलेबस नहीं करना है क्या? अगर नहीं करना है तो बता दो मुझे, मैं नहीं करवाऊँगी, नहीं पढ़ाऊँगी. कि मैम 11th का सिलेबस या तो हमें बहुत ही अच्छे से आता है या फिर नीट के एग्जाम में नहीं आने वाला है, कहीं से खबर आई है. तो अगर ऐसा इन दोनों में से कोई ऑप्शन नहीं है तो बच्चा अटेंड द क्लासेस. 11th की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है. प्लांट किंगडम की क्लास, दूसरी क्लास नेक्स्ट हफ्ते में लेने वाली हूँ. एक क्लास हो चुकी है, प्लीज़ कोई क्लासेस मिस मत कीजिए, बिकॉज एवरी क्लास इज फुल, इज डेंसली पॉप्यूलेटेड, सो टू से, है ना, विद अ लॉट ऑफ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड कॉन्सेप्ट्स. ये नीट की तैयारी हो रही है ना. आस्था, गुड नून बच्चा. यशवंत, गुड टू नो. श्रीधा, निधि वॉज देयर इन द इन यस्टरडेज क्लास एज वेल. आई एम मीटिंग यू एवरी डे गाइज फॉर अ रीजन.
हर रोज मैं आपसे मिलती हूँ ताकि आपका जितना सिलेबस सारा सिलेबस हो सके. थैंक यू श्रद्धा, दैट्स लवली टू नो. सचिन सचिन, ग्लैड टू नो, गुड टू सी यू ऑलवेज. शर्मिला, सो गुड टू सी यू बेटा. आद्या कलाकंत, सो गुड टू नो बेटा. जूही, यस. साकिब, हाय बेटा. विकास, गुड नून. सबको आने दो क्लास में, सबको बुला लो. शेयर द सेशन विद योर फ्रेंड्स सो दैट आई कैन स्टार्ट. प्लीज कीप योर पेन्स एंड पेपर रेडी लाइक आई ऑलवेज से. सुष्मिता चौधरी, वी आर स्टार्टिंग, प्लीज शेयर द सेशन. आई एम वेटिंग फॉर मोर चिल्ड्रन टू कम. साक्षी, दैट इज वेरी गुड टू नो. साकिब, आई एम एब्सोल्युटली फाइन, आई होप यू आर डूइंग फाइन एज वेल. प्रसाति मंडल, हेलो बेटा, वेलकम टू द क्लास. ऑल राइट पीपल. श्रीधा निधि, गॉड ब्लेस यू बेटे, दैट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग. आयुष्मान, सो गुड टू नो बच्चा, दैट मेड माय डे. आई एम वेटिंग फॉर मोर पीपल एंड देन आई एम वेटिंग टू स्टार्ट द सेशन. आज का सेशन ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको अलग से रखा है. द सम ऑफ द टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स वी आर गोइंग टू स्टडी इन स्ट्रैटेजीज, इसमें से क्वेश्चन आता है बिकॉज दीज आर वेरी वेरी मॉडर्न टेक्निक्स फॉलोड टूडे इन वेरियस कंट्रीज, है ना, फॉर ड्यूरिंग इन द प्रोसेस ऑफ प्लांट कल्टिवेशन. तो जो भी करंट अफेयर्स और जो भी कंटेम्प्रेरी टॉपिक से क्वेश्चन आता है उसमें से जरूर करके जाना चाहिए वो टॉपिक. यस, ओके, दैट इज सो गुड टू नो विकास. ऑल राइट पीपल, लेट्स स्टार्ट द क्लास. डोंट फॉरगेट टू शेयर द सेशन, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक दिस सेशन. डू लाइक द सेशन एज यू गाइज आर सेइंग यू लव टू बी अ पार्ट ऑफ द क्लासेस. तो हम ना लास्ट क्लास में, या नाउ वी कैन ड्रॉप द जनरल. सो हमने ना लास्ट क्लास में क्या किया, ये समझा कि एग्रीकल्चर जो टर्म है वो थोड़ी सी मिसअंडरस्टूड है. एग्रीकल्चर इनकम्पैसेस बोथ एनिमल हस्बेंड्री एंड क्रॉप कल्टिवेशन, है ना. पौधों को उगाना और कैटल का भी ध्यान रखना, उन दोनों को हम अलग नहीं कर सकते. और फिर मैंने आपको इस चैप्टर की बेसिक ट्यून बताई कि चाहे वो एनिमल हस्बेंड्री है या क्रॉप कल्टिवेशन है, एज अ फार्मर मेरा कंसर्न एट अ स्मॉल स्केल और अ लार्ज स्केल, है ना, एट अ ग्लोबल स्केल और एज पर्टेनिंग टू माई ओनली माई फील्ड इंडिविजुअल लेवल, आई एम वरिड अबाउट द यील्ड, दैट इज ऑल्सो द प्रोडक्टिविटी, या एंड द डिजीज रेजिस्टेंस. ये दो चिंताएं दिन रात रहती हैं, दीज आर द टू वरीज डे एंड नाइट, है ना. सो वी स्टडीड हाउ इन टर्म्स ऑफ एनिमल हस्बेंड्री वी बीन टेकिंग केयर ऑफ इट. वी स्टडीड अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच यू विल नॉट लीव फ्रॉम दिस चैप्टर, एनिमल ब्रीडिंग, है ना. वी आर प्लेइंग अराउंड विद द जर्म प्लाज्म, है ना, एज मच एज वी कैन. सक्सेस रेट इज नॉट दैट ग्रेट, फिर हमने टेक्निक्स पढ़ी टू एनहांस द सक्सेस रेट इन टर्म्स ऑफ हाइब्रिड्स विद डिजायर्ड कैरेक्टर्स. आई कैटेगोरिकली लिस्टेड फॉर यू द डिजायर्ड कैरेक्टर्स ऑफ अ ब्रीडर. रिमेंबर, प्लीज रिवाइज दैट फ्रॉम द लास्ट क्लास. आज हम प्लांट कल्टिवेशन की बात कर रहे हैं. ऑन द सेम लाइन्स आई टोल्ड यू द सेम प्रॉब्लम, productivity, high yield of the crop, disease resistance. But I told you, keep that in mind. All of this is considered according to the environmental conditions in which the crop is grown, in which the animal is reared. उससे ये expect नहीं किया जाता कि आप किसी भी environment में उतनी की उतनी yield दे दो. That is foolishness, है ना. हमने green revolution पढ़ा था. We tried to derive a variety of saccharum by crossing officinarum, yeah, and barberry. तो उसमें हमने कोशिश की कि उसको ऐसा ना हो कि किसी क्लाइमेट में भी ग्रो करने में प्रॉब्लम हो. सो मूविंग फर्दर, आवर नेक्स्ट वरी, वी हैव स्पोकन अबाउट द यील्ड इन ग्रीन रेवोल्यूशन. हाउ इन ग्रीन रेवोल्यूशन, बाय यूजिंग सेमी ड्वार्फ वेराइटीज ऑफ राइस एंड व्हीट, वी रियली एनहांस द यील्ड. यू रिमेंबर द डेटा दैट आई गेव यू, लाइक आस्था सेज डेटा टाइम, डेटा टाइम.
इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट कि कितनी इंक्रीज हुई राइस की और कितनी इंक्रीज हुई वीट की, वो आपको याद रखना है. ये शब्द मेरे हमेशा याद रखना कि वो नंबर वाला डेटा, आई नो इट इज़ नॉट कूल इनाफ, बट वो याद रखना है. अब आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि डिजीज रेजिस्टेंस के लिए हम क्या कर सकते हैं. क्रॉप्स में ना डिजीजेस और ज़्यादा परेशानी करते हैं. एक फंगस का अटैक, एक वायरस का अटैक, एक सिंगल बैक्टीरिया पूरे का पूरा क्रॉप लेकर जाएगा, है ना. और लुकिंग एट द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन विच इज डिफरेंट बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स, एनिमल्स को मेडिसिन एडमिनिस्टर करना और उसकी हेल्थ का ध्यान रखना फिर भी थोड़ा ईजी है, लेकिन क्रॉप्स के लिए थोड़ी परेशानी ज्यादा है, है ना. सो लेट्स सी व्हाट वी बीन एबल टू डू. प्लांट डिजीजेस, फंगल डिजीजेस बहुत तरह के होते हैं. ये हमने किंगडम माइकोटा में पढ़ा था. थोड़े से डिजीजेस हमने पढ़े थे, रिमेंबर, बिसिडियोमाइसिटिस, द रस्ट एंड स्मट फंगस, वो तो कुछ भी नहीं है. बहुत ज्यादा फंगल डिजीज आर द मोस्ट कॉमन है इन प्लांट डिजीजेस, ठीक है. ऐसा नहीं है कि बैक्टीरिया वायरस नहीं करते. तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे आपने बिसिडियोमाइसिटिस, पिसिनिया इज अ बिसिडियोमाइसिटिस, यस. तो पिसिनिया causes the rust disease. फिर smut diseases हैं, Eustilago. Then late blight of potato, मैंने आपको बताया था कौन सी fungus है, ये question बरसों से आता जा रहा है. Phytophthora infestans, red rot of sugarcane, ये सब fungal diseases हैं. फिर bacterial diseases भी हैं. एक छोटा सा ना दिखने वाला bacteria, Xanthomonas campestris, है ना, it can cause black rot in crucifers. Crucifers is this one, what do you call it, gobi. Yes, तो क्रूसीफरी फैमिली में इट कैन डिस्ट्रॉय द इंटायर क्रॉप. वायरल डिजीजेस, इसमें आपको एग्जैक्टली नाम याद नहीं रखने हैं. जितने भी डिजीजेस विद ऑर्गेनिजम्स आपके ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस में है, माइक्रोब्स में है और मेरे साथ प्लांट किंगडम में है, उतने करके जाओ, लाइफ इजी, टेंशन ज्यादा नहीं लेनी, ओके. सो टोबैको मोज़ेक डिजीज, क्योंकि टोबैको मोज़ेक वायरस पे इतनी ज्यादा डिस्कवरी हुई, इतनी ज्यादा हमने बात की बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, ये तो आप भूलोगे ही नहीं. ऐसे येलो मोज़ेक वायरस भी होता है लेग्यूमिनस प्लांट्स में. क्या होता है? YMV, येलो मोज़ेक वायरस. ये NCERT में मेंशन है, तो करके जाओगे. ये लेग्यूमिनस प्लांट्स को, पल्सेस को, जैसे मूंग हो गई है ना, वहां पे स्पेशली मूंग का एग्जाम्पल है. मूंग इज सच अ कॉमन दाल दैट वी यूज. अच्छा, अब हमने क्या किया? We always have a tendency to start with conventional methods. Why? Because they're easy, they're less costly, they are less cumbersome. तो conventional breeding में वही करोगे यार जो last class में पढ़ा था. You choose a parent, you control it, right? You choose a parent with desirable character. कि ठीक है, इसकी yield high है, और दूसरा parent जिसमें disease resistance है. आई बात समझ में? Disease resistance है एक में, yield low है. ग्रेटर yield बट नो डिजीज, क्योंकि मैंने क्या कहा था, सब कुछ नहीं मिलेगा लाइफ में. आई टोल्ड यू, यू विल नॉट गेट ऑल द डिजायर्ड कैरेक्टर्स इन अ प्लांट, सो यू विल हैव टू यूज द कॉम्बिनेशन एंड होप दैट योर जनरेशन F1 F2 जनरेशन माइट शो द कैरेक्टर्स. बट इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग. ऐसा नहीं है एक ब्रीडिंग, दो ब्रीडिंग, तीन ब्रीडिंग. यू विल हैव टू ब्रीड द प्लांट्स फॉर मेनी मेनी सीजन्स. क्यों? क्योंकि आपने जेनेटिक्स पढ़ी है भाई. रिसेसिव कैरेक्टर्स को छांट के निकालना पड़ेगा आपको, तब जाके आपके पास डिजायर्ड कैरेक्टर्स की होमोजाइगस प्योर लाइंस बनेंगी. और जब तक प्योर लाइंस नहीं बनेंगी, तब तक यू विल नेवर गेट द डिजायर्ड, यू विल नेवर गेट अ स्टेबल ब्रीड जिसमें सिर्फ आपका एक डिजायर्ड कैरेक्टर है विद डिजीज रेजिस्टेंस एंड परहैप्स मॉडरेट यील्ड. आई बात समझ में? सो यू डू दिस, दैट इज वन मेथड. कन्वेंशनल ब्रीडिंग में, जिसमें हमने सुपीरियर पेरेंट्स को यूज किया और हमें इंप्रूव्ड वेराइटीज मिली, उनका नाम याद रखना असेंशियल है, ठीक है. सो दिस इज द, आई नो इट्स नॉट वेरी लाइकेबल, आई नो इट वॉज नॉट लाइकेबल फॉर मी एज अ स्टूडेंट एज वेल. क्या इसमें से क्वेश्चन आ सकता है? यस प्लीज, ये याद करना है, याद करना है. तो इसमें से आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, कोई स्टोरी रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है. इसका क्या तरीका है? सब बच्चे मुझसे पूछते हैं, मैम हाउ टू लर्न दीज एग्जाम्पल्स. अरे भाई, डू इट ओवर एंड ओवर अगेन, एज सिंपल एज दैट. व्हेन यू मीट समवन फॉर द फर्स्ट टाइम, व्हेन आई मेट यू गाइस फॉर द फर्स्ट टाइम, मुझे नाम याद रखने में प्रॉब्लम होती थी ना, आपके होती थी ना,
आप रोज मेरी क्लास में आते हो, आई रिमेम्बर योर नेम्स. इट्स एज सिंपल एज दैट. इसमें कोई एल्गोरिथम नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है. जगह जगह जाकर ट्रिक मत मांगो, मैम ये याद करा दो, वो याद करा. करो, करने से होगा. और ये मेरा आपको प्रॉमिस है कि करने से तो होगा. ओके, सो वीट की वैरायटी हिमगिरी. मैं जरा बताती हूँ किसमें से. ये क्वेश्चन सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स हैं. इफ आई हैव टू टेल यू द ट्रूथ, आई कांट टेल यू कि ये क्वेश्चन नहीं आया. मैंने पूसा स्वर्णिम क्वेश्चन देखा है. कौन से डिजीजेस से रेजिस्टेंस है ये भी करना है, बट वेराइटी के जो नाम है उससे क्वेश्चन तो आया है. पूसा स्वर्णिम देखा है मैंने, पूसा सदाबहार भी देखा है. वीट की वेराइटी कभी मत छोड़ के जाना, बिकॉज दैट इज द स्टेपल फूड ऑफ आर कंट्री. ऑल राइट पीपल, अब कन्वेंशनल ब्रीडिंग में आप लोग इतने समझदार हो चुके हो इस चैप्टर में, है ना? सेकेंड क्लास है और आप तो ट्वेल्थ कर चुके हो. यू आर वेरी एक्सपीरियंस पीपल आउट देयर कि कन्वेंशनल ब्रीडिंग में मैं वेट करती रहूंगी करती रहूंगी. इट्स गोइंग टू बी टाइम कंज्यूमिंग, वेरी टीडियस, लॉट ऑफ हेडेक, एंड स्टिल द चांस रेट इज लो. लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ डिजीज रेजिस्टेंस जीन्स इज ऑल्सो वन ऑफ द चैलेंजेस. कि जो जर्म प्लाज्म, लास्ट क्लास आई एंडेड जिसमें मैंने आपको हैंड रिटन नोट्स दिए थे इन स्टेप्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, याद है? उन स्टेप्स में मैंने आपको कहा था कि सबसे पहला स्टेप ये होता है दैट लुक एट ऑल द एलिल्स ऑफ योर डिजायर्ड जीन. आप एक डिजायर्ड कैरेक्टर को आपने चू एक डिजायर्ड ट्रेट को चूज किया. ट्रेट, लिसन टू मी केयरफुली, ट्रेट को चूज किया कि भाई आई डोंट वांट दिस डिजीज, दिस प्लांट शुड बी एबल टू फाइट ऑफ दिस डिजीज, है ना? तो उस जीन के आप एलिल्स ढूंढते जा रहे हो, ढूंढते जा रहे हो. वो वेराइटीज, पुरानी पुरानी वाइल्ड वेराइटीज, रिलेटिव वेराइटीज. कभी कभी ऐसा होता है कि हमें वो डिजायर्ड एलिल तक नहीं मिलता है ना? तो कन्वेंशनल ब्रीडिंग हो ना हो, देर इज लो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिजायरेबल कॉम्बिनेशन ऑल्सो. तो अब हमें कुछ बढ़कर करना पड़ेगा, बिकॉज वी हैव द लिबर्टी, वी हैव द एडवांटेज ऑफ मलिक्यूलर टूल्स टूडे, जेनेटिक्स टूडे. सो वी अंडरस्टैंड कि बेस सीक्वेंस में कोई छेड़ाछाड़ी करी अगर, तो म्यूटेशन आ जाएगी. म्यूटेशन पढ़ी है ना जेनेटिक्स में आपने, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में. एक भी बेस सीक्वेंस, सिंगल बेस पेयर को भी हिला दिया तो बड़े बड़े डिजीजेस हो जाते हैं. टॉक अबाउट सिकल सेल एनीमिया, है ना? तो क्या करें फिर? इसमें हम उसको अपने बेनिफिट के लिए यूज करेंगे. ह्यूमंस आर सुपर्ब, सुपर्ब माइंड्स, या वेरी पावरफुल. तो सबसे पहले ये वन ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स है म्यूटेशनल ब्रीडिंग का. जेनेटिक्स में आप ये भी पढ़ के आए हो दैट सब्सटेंसेस विच कैन डू दिस जॉब, डू द छेड़ाछाड़ी विद द बेस सीक्वेंस, ट्वीक द बेस सीक्वेंस, देयर बाय चेंजिंग द फ्यूचर जनरेशन एंटायरली, क्रिएटिंग अ एब्सोल्यूटली न्यू ट्रेट इन द प्रोजेनी. या दोज आर कॉल्ड एज म्यूटेजेंस, है ना? तो म्यूटेजेंस, ऑल दो हम एक एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं गामा रेडिएशन का, लेकिन म्यूटेजन कोई भी हो सकता है. क्या पढ़ा था जेनेटिक्स में? फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल. हाँ, तो वही तो रिसर्च करनी है, वही तो चल रहा है एग्रीकल्चरल लैब्स में और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में कि कौन सा म्यूटेजन हमें फायदा करेगा. वी आर ग्रीडी, वी वॉन्ट मोर, वी वॉन्ट द बेस्ट फॉर आवर सेल्स. तो जैसे कि मैंने बताया, देर इज येलो मोजैक वायरस, है ना? इट अफेक्ट्स द लेग्यूम. तो इन दालों को, जो कि मोस्टली इंडियन घरों की स्टेपल फूड है, दाल रोज बनती है, उसको ये येलो मोजैक वायरस और पाउडरी मिल्ड्यू. दिस वन मोर आई वांट यू टू ऐड, पाउडरी मिल्ड्यू. एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है. ये दोनों डिजीज मूंग दाल को और लेग्यूम्स को परेशान कर रहे थे. तो हमने क्या किया, इनको रेजिस्टेंट बनाने के लिए वी यूज्ड गामा रेडिएशंस. वी यूज्ड गामा रेडिएशंस, जैसे यूवी रेज है. यूवी रेज आर ऑल्सो म्यूटेजन्स ना, उसी वजह से ही तो प्रॉब्लम होती है, सारी डिजीजेस होते हैं सारे, द कार्सिनोमास. सो गामा रेडिएशन से मैंने बेस सीक्वेंस चेंज करी और ऐसा मूंग प्लांट बनाया विच इज नाउ रेजिस्टेंट टू दिस येलो मोजैक वायरस. सो दिस इज ऑसम. यहां तक बात क्लियर है? लेट्स सी द चैट बॉक्स, व्हाट आर दे डूइंग, इफ एनीबडी हु इज लेट टू द क्लास.
आशुतोष, क्या मतलब है बेटा उसका? प्लीज एलैबोरेट। ऑल गुड पीपल, सब सही है, सब खुश है, एवरीबडी इज हैप्पी, स्माइलिंग। आगे चले, देखो इस चैप्टर में थोड़ा सा पेशेंस। हाँ आई नो दिस चैप्टर इज चैलेंजिंग, बट इट इज बिकॉज यशवंत, डोंट डू दैट। नोप, यू आर नॉट लेट। ओके, सो बहुत पेशेंस से टेक बेबी स्टेप्स फॉर कॉन्सेप्ट्स। ऑलराइट, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, डिजीज रेजिस्टेंस। ओके, अब प्लांट्स पर ध्यान दो, उनको सिर्फ माइक्रोब्स ही इफेक्ट नहीं करते, है ना? प्यार से बता रही हूँ ये चैप्टर, छोटे छोटे स्टेप्स में समझते चलो। बाकी दुनिया की जो सारी टेंशन है ना, जब तुम मैसेजेस लिखते हो मुझे समझ में आ जाता है कि क्या कर रहे हो वहां पर, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में, उसको प्लीज साइड में रख दो। आई एम रियली मेकिंग एन एफर्ट टू मेक दिस चैप्टर इजी फॉर यू, वरना ये सबसे डरावना चैप्टर है टू रीड फ्रॉम एनसीईआरटी, है ना? सो पे अटेंशन। अब जब मैं प्लांट्स की बात करती हूँ, देन वॉट आर वी कंसर्न अबाउट? वी आर नॉट ओनली कंसर्न अबाउट द माइक्रोब्स माई डियर चिल्ड्रेन, वी आर ऑल्सो कंसर्न अबाउट कीड़े, इंसेक्ट रेजिस्टेंस। इंसेक्ट्स एंड पेस्ट ऑल्सो इफेक्ट द प्लांट्स। और फिर हम क्या करते हैं, फार्मर्स बेचारों को बहुत ज्यादा इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स का यूज करना पड़ता है। मोर ऑफन देन नॉट दीज इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स एंटर द सॉयल एंड चेंज द पीएच ऑफ द सॉयल, सलिनिटी ऑफ द सॉयल, किल द यूजफुल माइक्रोब्स। मोर ऑफन देन नॉट दीज इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स प्योरली हार्मफुल केमिकल्स एंटर द एक्वेटिक इकोसिस्टम। कहानी खत्म, वहां भी तबाही, लैंड पर भी तबाही। और फाइनली जो हम हैं द ग्रीडी वंस हु वांट एवरीथिंग गुड, हमारी बॉडी में भी आ जाते हैं। आप आजकल बहुत सुनते हो फूड इज फुल ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स, तो उसका सोल्यूशन है कि इंसेक्ट रेजिस्टेंस बढ़ाई जाए। उसमें भी देर कैन बी कन्वेंशनल ब्रीडिंग ऑल्सो, और देर कैन बी सम मॉलिक्यूलर टूल्स ऑल्सो। नेचुरली इंसेक्ट रेजिस्टेंस कुछ ब्रीड्स में होती है, वी शुड यूज दोज ब्रीड्स विच आर नेचुरली गिफ्टेड बाय गॉड टू बिकम द पेरेंट एंड प्रोड्यूस अ ब्रीड। उनकी सिलेक्टिव ब्रीडिंग अगर करवाओगे तो प्रोजेनी में वो कैरेक्टर आ सकता है। अब यूजुअली जो इंसेक्ट रेजिस्टेंस होती है दैट इज ओइंग टू थ्री फैक्टर्स, या तो उसके बॉडी पार्ट्स किसी तरह से है, मॉर्फोलॉजी, सेकेंड फिजियोलॉजी, उसकी बॉडी के फंक्शंस कुछ ऐसे है कि इंसेक्ट उसको इफेक्ट नहीं कर पाता। जैसे जब कोरोना हुआ, व्हाट वर दे सेइंग कॉन्स्टेंटली बिफोर इवन द वैक्सीन्स केम आउट, जिसकी इम्यूनिटी ज्यादा है वो लड़ पाएगा, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाओ, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाओ। देयर वर सो मेनी मेथड्स गिवन आउट बाय डॉक्टर्स, ऑल होम रेमेडीज, इस तरह से इम्यूनिटी बढ़ाओ, बिकॉज देयर इज नो मेडिसिन और नो वैक्सीन, देयर इज नो वे आउट। द ओनली थिंग यू कैन डू इज प्ले विद योर फिजियोलॉजी, दैट वे, दैट इज द फिजियोलॉजी ऑफ द प्लांट एज वेल। एंड थर्डली यू हैव बायोकेमिकल इंसेक्ट रेजिस्टेंस, यानी कि प्लांट का कोई एक केमिकल है प्लांट जो प्रोड्यूस कर रहा है, विच कैन वार्ड ऑफ इंसेक्ट्स, द इंसेक्ट विल कम एंड इट विल बी हार्म्ड, है ना? तो ये नेचुरली प्रेजेंट होता है। अब ये सब मैंने आपको क्यों बताई स्टोरी, बिकॉज इसके जो एग्जाम्पल्स हैं बच्चों, मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिकल, इनके एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी में दिए हुए क्वेश्चन में आ जाते हैं, ठीक है? तो मैम आप हंसते हंसते इतनी बुरी बात बता देते हो, बट माई ओनली कंसर्न या द एम ऑफ माई लाइफ इज टू मेक यू लर्न वॉट एवर कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम, है ना? तो ऐसे या वैसे याद तो मेरे को करवाना ही है। तो आराम से, इत्मीनान से, वॉट आर दी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स? तो इसमें कोई एग्जाम्पल नहीं है, आसान है यार। वीट और कॉटन है, इसमें दो हैं, उनमें क्या होता है, द लीफ बिकम हेयर लाइक, ओके, दैट्स इट, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स,
on the leaf, in cotton and wheat are the morphological insect resistance features. ठीक है, अब वीट में इट इज प्रिवेंटिंग सीरियल लीफ बीटल, सीरियल लीफ बीटल. कॉटन में इट इज प्रिवेंटिंग जैसिड्स विच आर द कॉमन पेस्ट्स दैट अफेक्ट द कॉटन प्लांट. कीप राइटिंग विद मी, आई प्रॉमिस यू, वंस यू आर डन मेकिंग द लिस्ट, वंस यू आर डन राइटिंग, यू विल सडनली रियलाइज ये तो आसान हो गया. ओके, जस्ट डू द जॉब, इट विल फाइन. तो कॉटन में जैसिड्स है और वीट में हमारा क्या है, सीरियल लीफ बीटल. अब बुक में एक और दिया हुआ है जितना मुझे थोड़ा बहुत याद आ रहा है, दैट इज हाँ, वीट में द स्टेम इज वेरी हार्ड, द हार्डनेस ऑफ द स्टेम कीप्स द स्टेम सॉफ्ट फ्लाई अवे. हमें नहीं छोड़ना है कुछ भी, मे बी इट्स साउंडिंग इररिलेवेंट, हमें नहीं छोड़ना है. ओके, सो राइट ऑल द मॉर्फोलॉजी एग्जाम्पल गिवन इन द टेक्स्ट बुक. नंबर वन फॉर पीपल, ब्यूटिफुल चिल्ड्रन हु आर राइटिंग, जो अपने साथ अपना फायदा कर रहे हैं और मेरे साथ लिख रहे हैं. नंबर टू, देखो इस वक्त ना एक ट्रूथ तुम्हें बता दूं, जो लोग कंफ्यूज हैं, इस वक्त जो तुमने पूरा साल दो साल बड़े बड़े नोट्स लिखे हैं ना ड्यूरिंग रेगुलर क्लासेस, शायद वो भी पढ़ने का टाइम नहीं है, उसमें से ये डेटा निकालने का टाइम नहीं है. आई एम मेकिंग इट शॉर्ट का वेरी शॉर्ट वर्जन. सेकेंड, और ये है जी थर्ड, स्टेम्स ऑफ लाइफ. आई बात समझ में? अब नेक्स्ट कैटेगरी इज फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक, कैसे अपनी फिजियोलॉजी चेंज करता है. कॉटन प्लांट्स के जो फ्लावर्स हैं उनमें कोई नेक्टर नहीं होता, फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन हो गई. नेक्टरलेस फ्लावर्स तो कोई क्यों आएगा इनके पास, कौन नहीं आता, द कॉमन बॉल वर्म्स. बॉल वर्म्स को कॉटन को इन्फेक्ट करना बहुत पसंद है, हो सकता है ये इवोल्यूशन हुई हो, पहले बॉल वर्म्स वर डिस्ट्रॉइंग द कॉटन फील्ड्स लाइक एनीथिंग. आज भी आप बायोटेक्नोलॉजी में ये पढ़ चुके हो इसकी, आई थिंक द चैप्टर ऑफ एप्लीकेशन जितना मुझे याद है बायोटेक्नोलॉजी की, बॉल वर्म्स को कैसे प्रिवेंट किया जाता है, आई थिंक सो, है ना. तो ये नेक्टरलेस होते हैं और इनके लीव स्मूथ होते हैं, बॉल वर्म को प्रिवेंट करते हैं. पॉइंट नंबर वन, द कॉमन पेस्ट दैट इन्फेक्ट्स कॉटन प्लांट्स. ये हो गई फिजियोलॉजिकल मॉडिफिकेशन. आगे चलते हैं बायोकेमिकल मॉडिफिकेशन. रीसेंट क्वेश्चन, रीसेंट क्वेश्चन ये है मेज प्लांट. पॉइंट, इसकी क्या बायोकेमिकल अडेप्टेशन है, यानी कि कुछ केमिकल की इधर उधर कर रहा है ये, है ना. We switched off the AC. Oh, it happened on its own. No worries. ध्यान रखना नाइट्रोजन, सोच के देखो इंसेक्ट क्यों आएगा, पेस्ट क्यों आएगा, है ना. इंसेक्ट्स को नाइट्रोजन और शुगर दोनों पसंद है. हर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म इंसेक्ट पाना चाहता है, आप और मैं भी, है ना, क्योंकि हम नाइट्रोजन को एयर से फिक्स नहीं कर सकते. तो इस प्लांट ने क्या किया, इसने कहा मैं नहीं दूंगा नाइट्रोजन, लो नाइट्रोजन लो शुगर एंड हाई एस्पार्टिक एसिड. इज दैट क्लियर? दीज आर द बायोकेमिकल मॉडिफिकेशंस. सो दिस वाज अबाउट द डिजीज रेजिस्टेंस. इज दैट क्लियर? लेट्स सी द चार्ट बॉक्स. What is the colabori in this? Can you just... Alright people! All good? Disease resistance khatam ho gaya. Now I'm moving on to a very important topic. Jisse hum sab... Ek disease jisse hum sab... Aap, main... Aur world ki 3 billion population affected hai. Bahut interesting topic lagta hai mujhe. Kyunki main roz... हफ्ते में एक दो ब्लड रिपोर्ट्स देख लेती हूँ ऑफ पीपल हु आर ईटिंग वेरी हेल्दी. हाँ, सो दिस कम्स फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस. कोई बात नहीं जूही, नो वरीज.
आगे चलते हैं. देर इज समथिंग कॉल्ड एज हिडन हंगर विच इज ऑल्सो द डिजीज ऑफ पीपल हु आर ईटिंग द बेस्ट फूड. लाइक आई सेड आई सी द रिपोर्ट्स. वेन एवर आई सी द ब्लड रिपोर्ट ऑफ अ वेजिटेरियन पर्सन, ये आपने देखा होगा, B12 डेफिशिएंसी, विटामिन B12 डेफिशिएंसी, विटामिन डी डेफिशिएंसी तो सब में ही है ना, एंड जिंक डेफिशिएंसी, आयरन डेफिशिएंसी, कैल्शियम डेफिशिएंसी, आयोडीन डेफिशिएंसी, ये सब क्या है? वॉट एवर आई जस्ट स्पोक आर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स दैट आर नॉट रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटीज इन माई डाइट, नॉट लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स. वो हमें अच्छा खासा मिल जाता है ना, चीज वाला पिज्जा खा लिया, जो भी तुम्हें पसंद है यार, चाट खा लिया, छोले भटूरे खा लिए, ऑल ऑफ योर फेवरेट्स. लेकिन ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स छुपे हुए जो शायद हमें भूख नहीं लगाते हैं, क्रेविंग नहीं करवाते हैं, दोज कम अंडर, दे कॉज समथिंग कॉल्ड एज हिडन हंगर. Out of the 7.8 billion people in this country, in this world, 3 billion people are suffering from hidden hunger. They are eating the tastiest food, yeah, the best food ever, whatever they want, you know. But people have access to good food, but they are not taking care of the mineral requirement. Cool? So, हिडन हंगर से क्या होता है? यू एक्सपीरियंसेस द सिम्टम ऑफ विटामिन डेफिशिएंसी, मिनरल डेफिशिएंसी, इंक्रीज्ड केसेस ऑफ गॉइटर. रीसेंट ईयर्स में वी हैव एनकाउंटर्ड अ लॉट ऑफ केसेस ऑफ गॉइटर. मैं आपको बता नहीं सकती, आई हैव हार्डली सीन समबडी विदाउट B12 डेफिशिएंसी, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन, है ना. मैंने अभी एक महीना पहले आई गॉट माई ब्लड टेस्ट डन, आई गॉट सेव्ड, नो B12 डेफिशिएंसी, प्लीज टेक केयर ऑफ दिस. तो आपको क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल, विटामिन ए डेफिशिएंसी, नाइट ब्लाइंडनेस, ये सब आप पढ़ चुके हो, है ना. आयरन डेफिशिएंसी से एनीमिया इज इंक्रीजिंग, बोथ इन मेल्स एंड फीमेल्स, गॉइटर, आयोडीन डेफिशिएंसी, जिंक डेफिशिएंसी, एलोपेसिया. इनफैक्ट मिनरल्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी से द नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, योर अवेयरनेस, योर कॉन्सेंट्रेशन, योर फोकस, योर एनर्जी लेवल्स ड्यूरिंग द डे. जब भी लगे कि पढ़ने में दिमाग नहीं लग रहा है, यार आई एम टोटली देयर, आई एम डूइंग ऑल द राइट थिंग्स, बट मेरा फोकस नहीं है, नींद बहुत ज्यादा आ रही है, थकान हो रही है, हिडन डिजीजेस, हिडन सिम्टम्स. कुल तो इसको मास लेवल पे, पब्लिक लेवल पे सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने सोचा, अथॉरिटीज ने सोचा, फॉर पब्लिक हेल्थ वी नीड टू एड दीज माइक्रो न्यूट्रिएंट्स टू आवर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स. What I mean here is, we eat rice and the common vegetables that we eat every day. That is called as biofortification. Fortification is badhana, enhance karna. To har ghar mein, ab kuch log aise hai who cannot afford or they are not aware to buy those vegetables, fruits which are rich in these minerals naturally. Ki bhai roz, जैसे वन रूल इन माई हाउस इज की यू नो स्पिनच शुड बी ईटन रेगुलरली. सो बिकॉज इट हैज ऑल द मोस्ट ऑफ द एसेंशियल मिनरल्स एंड वाइटमिन और प्रोटीन्स एज वेल. तो ये हर कोई नहीं कर सकता है. सो वॉट वी आर डूइंग इज वी आर एडिंग दीज मिनरल्स टू व्हीट, राइस, मेज. हाउ डिड वी डू दैट? उसके एग्जाम्पल्स, कहानी मेरी यहाँ तक थी, अब इसके एग्जाम्पल्स एग्जाम के लिए जरूरी है. मैं एग्जाम्पल्स बताती हूँ आराम से. पहली बात, डेफिनेशन आएगी बोर्ड एग्जाम में, जिनके बोर्ड्स नहीं है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन आएगा. इट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रीडिंग. यू यूज अ क्रॉप, यू डेवलप अ क्रॉप फर्स्ट ऑफ ऑल विद मोर कॉन्टेंट ऑफ मिनरल्स, विद मोर कॉन्टेंट ऑफ प्रोटीन्स, मोर कॉन्टेंट ऑफ ऑयल्स, अगर सीड्स की बात, फैटी सीड्स की बात हो रही है. एंड देन यू यूज देम एज अ पेरेंट टू जेनरेट more varieties of crops with biofortified minerals and nutrients. So high levels of vitamins, minerals, protein. देखो, हमें इन चीजों का ध्यान रखना है. ये आपकी टेक्सटबुक में दिया हुआ है. This can surely come as a question. लिख लें. What are we taking care of? Indian diet, vegetarians, protein. हमारी डाइट में बहुत बहुत कम होता है. So we have to take care of that. So protein content and quality बढ़ानी है हमें
अपने नॉर्मल कार्बोहाइड्रेट के सोर्स में, कि अगर आप रोज चपाती भी खाते हो, वीट भी खाते हो, तो उसी में ही अगर मैं प्रोटीन कंटेंट बढ़ा दूं तो मजा आ जाएगा। उसके बाद अगर जो फैट की, इट शुड बी गुड फैट्स, है ना, इट शुड बी गुड फैट्स, नॉट बैड फैट्स। तो ऑयल कॉन्टेंट एंड क्वालिटी। उसके बाद वाइटमिन सी कॉन्टेंट फ्रूट्स में बहुत ज्यादा होना चाहिए, और नॉर्मल फ्रूट फूड में, अगर आप फ्रूट्स, सपोज देयर इज अ पॉपुलेशन हु कैन नॉट अफोर्ड टू बाय फ्रूट्स एवरी डे, है ना, तो नॉर्मल वेजिटेबल्स में वाइटमिन सी डालने लग जाओ, है ना, तो दैट विल बी सो दैट अफोर्डेबिलिटी इज ऑल्सो टेकन केयर ऑफ। उसके बाद माइक्रो न्यूट्रिएंट एंड मिनरल कॉन्टेंट शुड बी हाई इन द नॉर्मल स्टेपल डाइट। इसके एग्जाम्पल वीट वेराइटी एटलस 66 क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन 29 अप्रैल को बोल दिया गया है, आएगा, प्लीज डोंट इग्नोर दिस। इसको हमने एज अ पेरेंट यूज किया, इसमें प्रोटीन बहुत कॉन्टेंट हमने काफी हाई कर दिया, हमने उसको बना दिया। हमारी जो IARI है, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट इन दिल्ली, यू शुड विजिट दैट समटाइम्स, इट्स क्वाइट नाइस। तो वहां पर हम ये इम्प्रूव्ड वेराइटीज प्रोड्यूस करते रहते हैं हमारे एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट्स, ठीक है जी, फिर उनको बाहर भी भेज देते हैं। तो एटलस 66 एक ऐसी वीट की इम्प्रूव्ड वेराइटी है जिसमें प्रोटीन कॉन्टेंट बहुत ज्यादा था, हमने इसको उन वेराइटीज के साथ बार बार क्रॉस करवाया जिनके पास ज्यादा प्रोटीन कॉन्टेंट नहीं है, टू क्रिएट अ ब्रीड, वही क्रॉसिंग वाला चक्कर है। फिर मेज हाइब्रिड्स में, मक्के में, मक्का भी कई घरों में बहुत यूज होता है, तो हमने उसमें प्रोटीन बढ़ाने की कोशिश की है। आपको सुपरमार्केट्स में कभी शॉपिंग करने जाओ दोबारा, गो विद योर मम एंड सी, सुपरमार्केट्स में अब लेबल्स लगे हुए हैं, कुछ गिमिकी है बट कुछ सच्ची के लेबल्स हैं, रिसर्च ऑन देम कि क्या ये जेन्युइन है। आपको मिलेगा ये हाई प्रोटीन कॉन्टेंट वीट, आयरन रिच राइस, आयरन फोर्टिफाइड राइस पक्का मिलेगा, मिलेट्स मिलेंगे बहुत तरह के, उसमें लेबल्स को पढ़िए, देखिए, देन रिसर्च ऑन इट, उसमें आपको IARI का भी लेबल मिल सकता है, ठीक है। सो लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन, हमने इन दो अमीनो एसिड्स को का कंटेंट बढ़ा दिया मेज में, तो प्रोटीन कंटेंट बढ़ गया, है ना जी। सो मेक श्योर दैट यू आर राइटिंग दीज एग्जाम्पल्स। उसके बाद एक एग्जाम्पल और लिख लेना जो हम मिस नहीं कर सकते हैं, राइस 5 times more iron, हमने आयरन फोर्टिफाइड राइस भी प्रोड्यूस किए हैं, ठीक है, दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल। उसके बाद हमें ये रियलाइज हुआ कि दिस इज ऑल्सो कंबसम, टीडियस, कॉस्टली, तो फिर इंसान ने फिर दिमाग लगाया कि यार यहाँ पे तो मेरी इतना टाइम जा रहा है, मैं फिर इनको ब्रीडिंग करवाऊंगा, मैं इनमें मिनरल्स डालूंगा, जेनेटिक इंजीनियरिंग करूंगा, लैब में लोगों को रखूंगा, क्या उन साइंटिस्ट को नॉलेज भी है या नहीं, आधे तो चले जाते हैं बाहर इंडिया छोड़कर, क्या करूं मैं। तो ह्यूमन बींग्स ने दिमाग लगाया, उन्होंने कहा कि कचरे में से, लिटरली फ्रॉम द वेस्ट मटीरियल आई एम गोइंग टू गेट अ सुपर पावर। So he took the help of unicellular organisms, which are just living in our, where decomposition is happening. CH को use करके, straw को use करके, और इन unicellular photosynthetic organisms की amazing photosynthetic ability, or in terms of ecology, biomass production ability. फोटोसिंथेसिस से क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर बनता है, ये ऑर्गेनिजम्स यूनिसेलुलर, एक सिंगल सेल, दे आर सो मेनी इन अ गिवन स्पेस दैट एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम दे कैन जनरेट ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल। एंड दिस ऑर्गेनिज्म, इफ आई ईट दिस सुपर ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जाम्पल सम ऑफ द ग्रीन एल्गी एज वेल एज ब्लू ग्रीन एल्गी, स्पाइरुलिना की टैबलेट्स हैं मार्केट में, आप आज एक नॉर्मल मेडिसिन शॉप पे जाओगे आपको स्पाइरुलिना की टैबलेट्स मिलेंगी। देयर बॉडीज आर रिच इन गुड प्रोटीन्स, गुड फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स एंड व्हाट नॉट, सो दे आर नाउ कंसिडर्ड एज सुपर न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट, कि भाई खाना जो भी खा रहे हो इट इज ओके, बट इफ यू टेक अ टैबलेट और टू
every day, you will not experience the hidden hunger or the deficiency diseases. I tell you, I've seen doctors prescribing that, है ना? So, और होता क्या है, इनको हमने ग्रो कैसे किया? वेस्ट मटेरियल पे, मोलासेस, स्ट्रॉ. स्ट्रॉ यानी कि जो पोटैटो प्रोसेसिंग प्लांट से वेस्ट पानी निकल रहा था, गंदा पानी, क्योंकि उसमें कोई ना कोई ऐसा न्यूट्रिएंट है जिसपे ये बेचारा ऑर्गेनिज्म ग्रो कर लेगा, उसको ज्यादा नहीं चाहिए सीएच पर. तो हमने एनवायरमेंटल पोल्यूशन को भी कम किया और हमने स्पाइरुलिना को भी ग्रो कर लिया. स्पाइरुलिना तो चलो एक एग्जाम्पल है, ब्लू ग्रीन एल्गी स्पाइरुलिना इज साइनोबैक्टीरिया, इसकी तो टैबलेट्स आती हैं. देर आर सो मेनी अदर ऑर्गेनिजम्स. एक एग्जाम्पल जो मैं देना चाहूंगी, इट इज वन ऑफ माई फेवरेट्स. वॉट आई एम गोइंग टू डू इज, ऑलराइट, जो शायद से आपकी एनसीईआरटी में दिया है, हम तो पढ़ते थे, ठीक है? तो जैसे उन्होंने कहा, जस्ट टू मेक अस रियलाइज कि इसका कितना फायदा है, क्योंकि आप सोचो ये इतने छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं. फॉर एग्जाम्पल 250 ग्राम, एग्जाम्पल है मिथाइलोफाइलस मिथाइलोट्रोफिस. इज इट देयर इन योर न्यू एनसीईआरटी पीपल? इट्स अमेजिंग या, एंड इट इज ट्रू. दिस विल मेक यू रियलाइज दैट द टेक्निक ऑफ सिंगल सेल प्रोटीन इज अमेजिंग, राइट? सो एक 250 kg काउ प्रोड्यूसेस 200 ग्राम ऑफ प्रोटीन्स, ओके? एंड 200 आई थिंक ग्राम ऑफ दिस बैक्टीरिया प्रोड्यूसेस 25 टन्स ऑफ प्रोटीन. डू यू सी द डिफरेंस? लुक एट दिस, 25 टन्स ऑफ प्रोटीन विथ जस्ट 200 ग्राम ऑफ बैक्टीरियल कल्चर. दिस बैक्टीरिया क्वेश्चन, अगर ये नई एनसीईआरटी में है तो. मैं तो पुराने टाइम की हूं, मुझे ये याद हमेशा रहा, एज अ स्टूडेंट भी एज अ टीचर भी. आई हैव ऑलवेज टॉट दिस टू माई स्टूडेंट. अमेजिंग है यार सिंगल सेल प्रोटीन. बट हाँ, हमारे कंट्री में अभी भी कम है. जापान में, इफ आई हैव रेड द हिस्ट्री, जापान में तो बहुत अमेजिंग है. वो तो सैलेड की तरह खाते हैं इन ऑर्गेनिजम्स को. उसके बाद एक और टेक्निक हमने करने की कोशिश की, टू इंक्रीज द यील्ड एंड टू हैव डिजीज फ्री प्लांट्स, प्लांट टिश्यू कल्चर, जिसका आपको सदियों से इंतजार था. हो ना हो, प्लांट टिश्यू कल्चर से मैंने क्वेश्चन एक आता हुआ देखा ही है हर साल, ठीक है? तो कर लेते हैं, इजी है, मुश्किलें खत्म हो गई हैं इस चैप्टर की विद एग्जांपल्स एंड एवरीथिंग. अब थोड़ी सी कहानी टर्म्स की है और वो मैं देकर जाऊंगी, है ना? लास्ट टॉपिक है, थोड़ा ध्यान से करना. प्लांट टिश्यू कल्चर पीटीसी में से क्वेश्चन आता है, जैसा कि तुम्हें पता है ना, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म से भी पढ़ चुके हो. इफ आई यूज एनी ऑर्गेन ऑफ द प्लांट, एनी ऑर्गेन ऑफ द प्लांट, स्टेम, रूट, लीफ, व्हाटएवर, एंड आई ग्रो इट इन अ टेस्ट ट्यूब, कुल इन अ स्टराइल कंडीशन. स्टराइल मतलब उसको कोई डिजीज नहीं होना चाहिए, इन एन एब्सोल्युटली एसेप्टिक स्टराइल कंडीशन. देन इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम दैट ऑर्गन कैन गिव राइज टू एन एंटायर प्लांट. तो बहुत ही कम समय में आई कैन हैव हंड्रेड एंड थाउजेंड ऑफ प्लांट्स, रादर देन ग्रोइंग देम इन अ फील्ड, टेकिंग केयर ऑफ डिजीजेस, टेकिंग केयर ऑफ सॉयल. भाई सॉयल में अब ये है, अब ये नहीं है, इसमें डिजीज हो जाएगा, इसमें नहीं होगा, वो सारी सिरदर्दी को कम करने के लिए प्लांट टिश्यू कल्चर. बट येस, आई नीड अ कंडीशन, अ लैबोरेटरी, उसमें पैसा लगेगा डेफिनेटली, टू गिव नंबर वन स्टराइल कंडीशन, नंबर टू न्यूट्रिएंट मीडियम. न्यूट्रिएंट मीडियम, वो न्यूट्रिएंट मीडियम शुड बी इवन बेटर देन द नेचुरल सॉयल इन विच द प्लांट ग्रोस. टोमेटो है, पोटेटो है, नॉर्मल वेजिटेबल्स अगर मैं ग्रो कर रही हूँ, सीरियल्स है, तो जो उनकी, अब तुम प्लांट ग्रोथ हॉर्मोन्स में मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पढ़ते ही हो, वो सारे उसको और भी ज्यादा अच्छे से दोगे तो बात बनेगी, ठीक है? नाउ पीपल, इससे रिलेटेड टर्म्स, पॉइंट नंबर वन, टर्म्स करके जानी है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, द प्लांट ऑर्गेन
प्लांट ऑर्गेन विच इज यूज्ड इज कॉल्ड एज एक्स प्लांट, लिखते रहना. द प्रॉपर्टी ऑफ गिविंग राइज टू न्यू प्लांट, इट इज अ जेनेरिक टर्म, टोटेपोटेंसी. ये सिर्फ इसके लिए नहीं है, इट कैन बी, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ सेल व्हेन इट कैन फॉर्म एन एंटायर ऑर्गेन, सो टोटिपोटेंसी. थर्ड, टेक्निक इज कॉल्ड, टेक्निक इज कॉल्ड माइक्रो प्रोपगेशन. माइक्रो प्रोपगेशन नॉट डिफिकल्ट टू लर्न. माइक्रो छोटे छोटे एक्स प्लांट, प्रोपगेशन बढ़ाना, एंड द प्रोसेस इज प्लांट टिश्यू कल्चर, है ना. न्यूट्रिएंट मीडियम, इट इज रिक्वायर्ड टू एम्फसाइज हियर दैट द न्यूट्रिएंट मीडियम शुड हैव अ कार्बन रिच, तुम भी ना, कार्बन रिच सोर्स यार, कार्बन रिच शुगर सच एज सुक्रोज. इसी पे ग्रो करेगा प्लांट, उसको एनर्जी चाहिए ना बेचारे को, पूरे का पूरा एक छोटे से पार्ट से पूरे का पूरा प्लांट बनाना है. सुक्रोज, मिनरल्स, अमीनो एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट दे दिया, मिनरल दे दिया, अमीनो एसिड दे दिया, ठीक है. फैट भी दे दो. और कौन से दो हॉर्मोन्स यूज करते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर में, ये क्वेश्चन आता है प्लांट ग्रोथ हॉर्मोन्स में. ये डायरेक्ट लाइन है उस चैप्टर में, कौन से हैं, क्योंकि ये टॉपिक दो ऑक्सिन. मैम रेड कलर मत यूज करो, पर्पल भी मत करो, कौन सा करो, फिर ग्रीन कर लो. ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, है ना, ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन. साइटोकाइनिन तो बेचारा वैसे ही वेरी नाइसली, इट इज वेरी नाइस टू डू सेल डिविजन. ये हो गई जी बात इससे रिलेटेड. दिस इज पीटीसी डन. प्लांट टिश्यू कल्चर इज अ प्रोसेस बाय विच आई कैन इंक्रीज द यील्ड, बात खत्म. टेक्निक इज कॉल्ड माइक्रो प्रोपोगेशन. प्रॉपर्टी टोटिपोटेंसी. ऑर्गेन एक्स प्लांट. नाउ इनसे बनने वाले नए प्लांट विल बी आइडेंटिकल टू द पेरेंट प्लांट. यू हैव टू चूज द पेरेंट इन दिस केस, है ना. चूज द पेरेंट, आई विल जस्ट गिव यू सम टाइम. चूज द पेरेंट, लेट्स सी द चैट बॉक्स. जिस पेरेंट में सुपीरियर कैरेक्टर्स है, यू विल चूज द पेरेंट पीपल. और तुम चाहते हो कि प्रोजेनीज शुड बी एग्जैक्टली लाइक पेरेंट्स. सच प्रोजेनीज आर कॉल्ड एज क्लोन्स. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ा ही है. मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट. लेट्स सी द चैट बॉक्स. ओके, सो मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली ऑल्सो आइडेंटिकल. सो दे विल शो द गुड फीचर्स. गुड, पीटीसी इज डन. वॉट आर द एप्लीकेशंस of PTC, why do I do that other than the yield? Disease free plants can be produced by this technique and somatic hybrids can also be produced. देखते हैं इन दोनों को. Easy है बहुत. आपने anatomy वाले chapter में आपने पढ़ा होना चाहिए कि जो एपाइकल मेरिस्टम है या इवन एक्सिलरी मेरिस्टम है, मेरिस्टमैटिक टिश्यू इतना एग्रेसिवली, इतना फास्ट डिवाइड करता है कि अगर किसी प्लांट में कोई वायरल डिजीज है भी, कोई भी डिजीज है, तो मेरिस्टमैटिक टिश्यू पे वो नहीं होता. मेरिस्टमैटिक टिश्यू इज अ डिजीज फ्री जोन ऑफ द प्लांट. तो मैं क्या कर सकती हूं, इवन इफ आई हैव एन इंफेक्शियस इंफेक्टेड सॉरी इवन इफ आई हैव एन इंफेक्टेड प्लांट, बट आई विल आइसोलेट द मेरिस्टमैटिक टिश्यू. आई विल आइसोलेट द मेरिस्टमैटिक टिश्यू एंड place it in the nutrient medium, give it sterile conditions, give it absolutely amazing temperature, light, and with the technique of micropropagation, form an entire new plant which is disease free. So in this case, meristematic tissue is serving as the explant. Ye question mere hi time se. Cool. Uske baad,
इतना क्लियर हो गया। उसके बाद मैं ऐसा भी कर सकती हूँ दैट आई कैन क्रिएट हाइब्रिड्स। आई चूज टू प्लांट्स विद डिजायरेबल कैरेक्टर्स। डिजायरेबल कैरेक्टर कैन बी मेनी थिंग्स। इट कैन बी एज सिंपल एज आई वॉन्ट अ वेरी नाइसली स्वीट फ्रूट ऑफ दिस प्लांट, ब्यूटिफुल फ्लावर्स बिकॉज आई वॉन्ट टू सेल इट एज एन ऑर्नामेंटल प्लांट। डिजीज रेजिस्टेंस तो काफ़ी टाइम से पढ़ रहे हो, हाई यील्ड मोस्ट कॉमनली डिजायर्ड ट्रेट, इट कैन बी एनी थिंग। तो इसमें मैं क्या करूंगी, आई एम गोइंग टू आइसोलेट द सेल्स ऑफ टू प्लांट्स। आई एम गोइंग टू आइसोलेट द सेल्स ऑफ टू प्लांट्स। प्लांट सेल में एक डेड पोर्शन होता है सेल वॉल। आई वॉन्ट नया प्लांट बनाने के लिए मुझे लिविंग पोर्शन को कनेक्ट करना पड़ेगा, है ना। तो डेड पोर्शन को मैं डाइजेस्ट करवाऊंगी। सो आई डाइजेस्ट द सेल वॉल्स, सेल्यूलेज दे दिया, हो गई सेल वॉल खत्म हो गई। अब मेरे पास बचा प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट का मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंटैक्ट है और साइटोप्लाज्म है। इस प्लांट के पास वो जीन है, वो कैरेक्टर, वो ट्रेट है जो मुझे चाहिए, है ना, हाइब्रिड बनाने के लिए। सो मैंने इसका प्रोटोप्लास्ट लिया और दूसरे प्लांट का प्रोटोप्लास्ट लिया, दो पेरेंट लिए, उनको मैंने फ्यूज करवा दिया। फ्यूजन ऑफ आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट, यहां तक बात क्लियर है। अब मेरे पास बनेगा हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट। With desired characters. ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल जो आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, दे ट्राइड टू डू इट फॉर पोटेटो एंड टोमेटो एंड प्रोड्यूस पोमेटो, ऐसे खेलने के लिए, बट इट वॉज नॉट कमर्शलाइज्ड। क्यों? क्योंकि This is the challenge of hybrid techniques. We are still finding a way how to solve this. अगर आप प्रोटोप्लास्ट जैसे छोटे decimated level पे भी चले गए तब भी problem नहीं solve हो रही है। क्यों? क्योंकि genetics अलग खेल खेलती है, genetics अलग खेल खेलती है। This science requires a lot of patience. Hence, pomato was never commercially produced because it didn't have the desired characters. As simple as that. So, this was about the applications of various techniques, the various techniques which are followed under the strategies for food enhancement and production. इस chapter में जो जो important है, मैं last time बता रही हूँ, before your exam, इसको करके जाना। Animal breeding में तुम 15 मिनट में 10 मिनट में chapter revise कर सकते हो, if you know कि ये topic से question आ रहा है। Animal breeding में जानकर, सिर्फ इतना जानकर बहुत है कि व्हाट इज इनब्रीडिंग, व्हाट इज आउटब्रीडिंग, इनके डिफरेंसेस, कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद तुम स्टेप्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग करोगे, स्टेप्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग करोगे, दैट्स ऑल। उसके बाद टिश्यू कल्चर, आज जो पढ़ाया है टिश्यू कल्चर, पीटीसी में एवरी वर्ड इज इंपॉर्टेंट, उसमें से क्वेश्चन आता है। सिंगल सेल प्रोटीन में आप एग्जाम्पल मिथाइलोट्रोफस वाला करके जाओ, अगर आपकी नई एनसीईआरटी में स्पाइरुलिना इज कॉमनली आस्क क्वेश्चन, वो इजी क्वेश्चन है, नोबडी मेक्स अ मिस्टेक इन दैट। इसमें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मॉइट पे क्वेश्चन आया हुआ है, एंड फाइनली यू कैन डू एग्जाम्पल्स ऑफ वॉट एवर एग्जाम्पल्स आई मेड यू राइट टूडे। ठीक है, तो फटाफट इसकी रिविजन करके जाना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। कंग्रेचुलेशन फॉर सम ऑफ यू हैव बीन एसोसिएटेड विद अस सिंस द बिगिनिंग। कंग्रेचुलेशन फॉर कंप्लीटिंग द बॉटनी पोर्शन ऑफ क्लास 12th। प्लीज बी अ पार्ट ऑफ, अब अपनी सारी अटेंशन क्लास 11th के सिलेबस पे लगाओ, विच आई एम डूइंग विद यू। वेरी सून, लाइक आई सेड, लॉट ऑफ सरप्राइजेस कमिंग ऑन दिस चैनल, सो स्टे ट्यून्ड, स्टे ट्यून्ड। शेयर द चैनल, शेयर द सेशंस विद एवरीबडी, ऑल योर फ्रेंड्स, जूनियर्स एज वेल एज सीनियर्स। या जूनियर्स के लिए भी बहुत कुछ आने वाला है। लेट्स मेक अ इकोलॉजी खत्म करी है हमने, लेट्स मेक अ इकोसिस्टम, द हेल्दीएस्ट इकोसिस्टम, वेयर नीट की तैयारी हैपेंस इनवेरिएबली अनकंडीशनली। ठीक है, सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास पीपल विद समथिंग अमेजिंग, सेम टाइम सेम प्लेस, एंड मिलते हैं फिर। टेक केयर, कीप स्माइलिंग।